नुहू हिंसा के बाद मेवात जिले में प्रशासन द्वारा मकानों पर बुलडोजर कार्रवाई के बाद अब फिरोजपुर झिरका क्षेत्र की अरावली में बसे लोगों के बिजली पानी के कनेक्शन को भी काटने का मामला सामने आया है, जिससे लोगों में प्रशासन के खिलाफ भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। अब लोगों को अंधेरे में रात गुजारने को मजबूर होना पड़ रहा है, तो वहीं लोगों को पीने के पानी की किल्लत के लिए दो चार होना पड़ रहा है। बता दें कि गत 31 जुलाई को ब्रजमंडल धार्मिक यात्रा के दौरान हुई हिंसा के बाद नुहू जिले में प्रशासन द्वारा अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाया गया था, जिसमें लगभग 700 अवैध निर्माणों को ढहा गया। फिरोजपुर झिरका क्षेत्र के अरावली में बसे हिंदू मुस्लिम समाज के गरीब लोगों के मुताबिक बगैर नोटिस दिए पहले तो हमारे मकानों को तोड़ा गया, उसके बाद में बिजली कनेक्शन काट दिया गया, जिसके चलते गर्मी के मौसम में अंधेरे में रात गुजारने को गरीब परिवार मजबूर है। रात भर मच्छरों की भरमार होने के चलते छोटे छोटे बच्चे बीमार हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि लाइट के साथ साथ पीने के लिए आ रहा पानी को भी बंद कर दिया गया, जिससे गौ माता व अन्य जीव जंतु प्यास से तड़प रहे हैं। पीने का पानी भी काफ़ी दूर से लाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि हमें मकान टूटने से लाखों का नुकसान हुआ है। गरीब परिवार अब सरकार से मांग कर रहे हैं कि सरकार हमें मुआवजा और हमें रहने के लिए कोई जगह का बंदोबस्त करे, ताकि हम अपने बच्चों का गुजारा कर सकें। गरीब परिवार हाल ही में फिलहाल गर्मी के मौसम में खुले आसमान के नीचे रात व दिन गुजारने को मजबूर हैं। लोगों ने बताया कि मकान के अंदर ही सामान भरा हुआ था, जो मकान के अंदर ही दबकर टूट गया। पूर्व डिप्टी स्पीकर एवं जननायक जनता पार्टी नेता आजाद मोहम्मद ने सरकार की बुलडोजर कार्रवाई को अवगत कराते हुए कहा है कि जिस तरह सरकार ने अचानक गरीबों के मकानों को तोड़ा, मकान के अंदर ही गरीबों का सामान मलबे में तब्दील हो गया, यह बहुत ही निंदनीय घटना है। ये जो प्रशासन ने इन मकानों पर जो कार्रवाई की है वो गलत है। इस तरीके से कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, चाहे अवैध में थे चाहे वैध में थे। उनको पहले नोटिस देना चाहिए था, नोटिस देने के बाद उन पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। जिस तरीके से प्रशासन ने उन पर अचानक उन मकानों को तोड़ा, सारा सामान उन मकानों का उसके अंदर मलबे में तब्दील हो गया, ये बहुत ही निंदनीय घटना है। उसके बाद अब सुना है कल परसों बिजली विभाग ने जहाँ वो लोग रह रहे थे उनकी लाइट को काट दिया गया, ये गलत है। इस बारे में हम उच्च अधिकारियों से अपने नेताओं से बात करके इस मामले को संज्ञान लेकर उनके खिलाफ हम कार्रवाई करवाएंगे। आप इस मामले को लेकर उप मुख्यमंत्री से भी आपने मुलाकात की, क्या आश्वासन मिला था और किस मामले को लेकर मुलाकात की? इन दंगों के मामले में हमसे उनसे दुष्यंत जी से अपने मुलाकात की थी। जिस तरीके से इन मुकदमों में बेगुनाह हमारे नौजवानों को उसमें जेल की सलाखों के पीछे धकेले जा रहा है, उसके बारे में हमने विस्तार से उनको बताया। उन्होंने आश्वासन दिया है कि भाई किसी भी निर्दोष लोग को इन मुकदमे में नहीं फंसाया जाएगा और जो दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी इसमें सजा दी जाएगी, तब किसी भी धर्म जाति का हो चाहे कितने बड़ा उसमें वो आदमी। किस तरह से कार्रवाई पुलिस की तरफ से की जाएगी? उसके बाद ब्रेक तो लगा, पुलिस अब जो उसमें कुछ नाम आइडेंटिफाई हुए हैं उन जो इसमें दोषी हैं उनके पीछे पुलिस लगी हुई है और जल्दी वो पुलिस की गिरफ्त में आएंगे वो लोग। क्या नाम है जी? कृष्णा। क्या समस्या, पानी को लेकर क्या परेशानी हो रही है? पानी को लेकर धन बच्चा सारे प्यास है, बकरी बच्चे मुर्गा बच्चे सारे प्यास है, जो सारी चीज से परेशानी हुई पड़ी है। जिस दिन से मकान तोड़े उस दिन ही लाइट को उखाड़ के ले गए, मीटरों को उस दिन ही पानी की लाइनों को उखाड़ के ले गए, यहाँ से पीछे से ही काट दिया गया। तो पानी से कितनी परेशानी हो रही है, कैसे गुजारा हो रहा है? वहां से लेके आ रहे गौशाला की तरफ से भर के पानी, हम लोग कहीं शमशान में जाए, कहीं मंदिर पे जाए, कहीं गौशाला में जाए, ऐसे भर भर के लेके आ रहे। क्या नाम है जी? मेरा नाम किशन है जी। गांव कौन सा? फिरोजपुर झिरका। क्या मामला? मामला क्या है जी, ये हमने मतलब यहाँ वाल के अंदर हमने मकान बनाए हैं और ये मकान पहले अरावली में था और अब ये कमेटी के अंदर मतलब लाल डोरे में आ गए हैं। लाल डोरे में ले लिया, वोट लेने किस लिए आते हैं ये बकवास करते हैं, खामे खाकुर हमारे मकान तुड़वा दिया और सारे बच्चे बच्चे बाहर पड़े हैं और हमें पूरा मतलब मुआवजा चाहिए, पूरा मुआवजा चमोली चमोली का मुआवजा चाहिए, और नहीं तो आपके वोट लेने के लिए मनीष जैन तो साला का झंडा लगा देते हैं। हाँ जी, लाइट को हम काट ले गए और सारे हमारे बच्चे बच्चे बाहर बैठे हुए हैं और इस टाइम का हमको कुछ मिला, मुआवजा दिया जाए या मकान बना दिया जाए। मनीष जैन को मैंने फोन किया था
खुद मनीष जैन ने आपने मना कर दी, ये पीछे का ऑर्डर है तो कोई ऑर्डर नहीं है, दो घंटा में आप भाई साहब रोटी नहीं खा सकते, जो हमारे दो घंटे का ऑर्डर खाली कर दो मकान को, पहले आपको कोई नोटिस नहीं है ना हमारे पास, खाली करवा दो, कुछ बल्ब भी लगा ले सारा, टीन टप्पर सब टूट गए हैं, आग धड़ में चारों मशीन चला दी, पूरी फोर्स ले आए हैं मकान के अंदर से, आप लोग कुछ निकाला कुछ रहेगा जी अंदर ही, दो घंटा में क्या होता, खम्बू ताड़ के रह रहे हैं जी। क्या नाम है जी? राम कुमार जी। गाँव कौन सा? ये जीरकपुर जी। क्या मामला? क्या मामला जी, संडे वाले दिन आए थे, सब मकान तोड़े, कुछ सामान रहेगा कुछ दब गया और लाइट काट ले गए, ठीक है जी, और परेशान है ना कुछ खाने को, मतलब गरीब आदमी मजदूर करते हैं, और जी हमें ये हमें भाई हम गया प्लाट दिमाग में ना दिमाग में भाई अपने भाई रहने दे हमको, तो सुना है लाइट को भी काट लिया गया। हाँ कब लाइट को काटा गया? उसी दिन ले, उस दिन ही संडे वाले दिन, जिस दिन तोड़ा था मकान उस दिन ही लेके। तो किस तरह से गुजारा हो रहा है अभी? अब क्या करें, पड़े जब तंबू तान रखे हैं, कर रहे हैं टाइम पास, सामान पड़ा बाहर भीतर को टूट रहा कुछ रहेगा। क्या मांग करना चाहेंगे सर? मांगे लाइट मिल जाए हमको, प्लाट व्लाट दे दे सरकार भाई, अपने बच्चों को विवाह ढक ले। क्या नाम है जी? मुकेश जी। गाँव कौन सा? फिरोजपुर जी का। क्या मामला है? ये हमारे मकान तोड़े गए हैं बिना नोटिस के, उसके बाद हमारा लाइट वाइट काट दी, मीटर ले गए सारे, हमारे मीटर उटर ले गए सारे, बच्चे परेशान है रात भर गर्मी में मरते रहते हैं, आधी सामान कुछ रह गया कुछ दब गया। कब मीटर को ले गए, लाइट कब काटी गई? जिस दिन तोड़ फोड़ हुई जी, हाथों हाथ ले गए। तो बिल वगैरह भर रहे थे आप? हाँ जी बिल भर रहे हैं, एक एक बिल भरा पड़ा जी हमारा। तो क्या कह गया प्रशासन? क्या जी वो तो बिना कहे ले गए तोड़े के, अभी तो कहें जो उन्होंने करा हम तुमको अलाउड नहीं। अभी कहाँ रह रहे हो? मकान टूट गए हैं फिलहाल, तो यहीं पड़े हैं जी चौड़ा चट में। तो क्या मांग करना चाहेंगे? मांग यही करना चाहते हैं हम, गर्मी मर रहे हैं जी, यहाँ लाइट लगाई जाए, रात भर मच्छर खाते हैं। क्या नाम है जी? मेरा नाम भैया जी। गाँव कौन? गाँव ये गया शनिवार। आपके मकानों को तोड़ा गया है, क्या नोटिस दिया गया? न कोई नोटिस ना जी, बिल्कुल ना जाए तोड़ा, हमारा त्रिजेट्री में है मकान भी बिल्कुल, अब आप देख रहे हैं आपके सामने बिल्कुल। मकान तोड़े गए थे, उनमें सामान अंदर था पूरा, ये इसी में दब गया सारा सामान आपके सामने बिल्कुल, टूट फूट पड़ी है सारी, और अभी लिखाड़ा बिना ऐसे कैसे पड़ा सारा। आप कहाँ रह रहे हैं? आपके ऐसे पड़े हैं जी, जैसा आपके बिल्कुल, ये खेत में पड़े नहीं सर, ये ऐसी ढोर बछरो जो ये सामान पड़ा आपके सामने बिल्कुल। कितने का नुकसान? ये नुकसान तो ये कम से कम 15 लाख रुपया का जी आपके सामने, कोई ये थोड़ी कम झूठ बोल रहे हैं। क्या कि लाइट के भी? लाइट पहले लाइट हमारा कनेक्शन है जी, बोर है हमारा तो बाकायदा, ये भी नहीं है हमारा तो बल्ब का कनेक्शन है, बोरन का कनेक्शन है सारा, लाइट वाइट काट कूट का भी डोरी लगा रखे हैं, और जो बाकी ये भी हमने अपनी मर्जी से लगाए जी, हमारे तो कनेक्शन हम कौन रोक सके जी, बिल भर रहे हैं टाइम से टाइम।